अब खबरें विस्तार से। कोरबा लोकसभा क्षेत्र से घोषित की गई भाजपा प्रत्याशी और पूर्व सांसद सरोज पांडे ने कहा कि सबका साथ सबका विश्वास के नारे के साथ इस चुनाव को लड़ा जाएगा। सुतरा में भाजपा कार्यकर्ताओं के द्वारा स्वागत के बाद वे संक्षिप्त में अपनी बात रख रही थी। इससे पहले टिकट की घोषणा होने पर दीपका कोयलांचल में कार्यकर्ताओं ने उत्साह दिखाया और मिठाई बांटी। लोकसभा और राज्यसभा के साथ साथ विधानसभा की सदस्य रह चुकी सरोज पांडे को अब कोरबा लोकसभा क्षेत्र से भाजपा ने अपना प्रत्याशी बनाया है। उनके नाम की घोषणा एक दिन पहले भाजपा हाईकमान की ओर से की गई। प्रत्याशी चयन के एक दिन बाद सरोज पांडे की उपस्थिति कोरबा जिले में हुई। सुतर्रा में उनके आगमन पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने उत्साह दिखाया और उनका स्वागत किया। मीडिया से चर्चा करते हुए सरोज पांडे ने बताया कि प्रधानमंत्री के द्वारा सबका साथ सबका विश्वास के सिद्धांत पर काम किया जा रहा है। हर तरफ जनता खुश है, सभी के सहयोग से लोकसभा क्षेत्र में चुनाव लड़ा जाएगा। भारतीय जनता पार्टी विकास के विषय को लेकर और हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने जो सबका साथ सबके विकास के नारे के साथ में आगे बढ़ रहे हैं, हम उसी विषय को लेकर विकास के मुद्दे को लेकर हम मैदान में जाने वाले हैं। कोरबा शहर पहुंचने पर स्थानीय पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने आतिशबाजी कर सरोज पांडे का स्वागत किया। इससे पहले सरोज पांडे को प्रत्याशी बनाने की घोषणा होने पर कोयलांचल दीपका में भाजपा कार्यकर्ताओं ने काफी उत्साह दिखाया। वरिष्ठ पार्षद अरुणेश तिवारी और अभिषेक सिंह के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने सरोज पांडे को प्रत्याशी बनाने का स्वागत किया और नारेबाजी करने के साथ लोगों का मुंह मीठा कराया। ब्यूरो रिपोर्ट कोरबा।